हाल ही में दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हुई 7वीं हरियाणा स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रोहतक के 3 खिलाड़ियों ने 4 मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में 4 पदक जीतकर ये कामयाबी हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में 300 से 284 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं लक्ष्य खत्री ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में 300 में से 287 अंक प्राप्त कर गोल्ड और सिल्वर हासिल किया है, जबकि अभिमन्यु ने 300 में से 286 अंक लेकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तीनों ही खिलाड़ी अपनी उपलब्धि पर काफी खुश हैं और अब आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुट गए हैं। अभी रिसेंटली 7th हरियाणा स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली की करणी सिंह शूटिंग रेंज पर कंडक्ट हुई थी, उसमें अपनी गन्स एंड गट शूटिंग एकेडमी से काफ़ी शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड पिस्टल में 284 स्कोर अचीव करके आउट ऑफ 300 गोल्ड मेडल जीता है। एक और अपने स्टूडेंट हैं लक्ष्य खत्री, इन्होंने स्पोर्ट्स पिस्टल में 287 स्कोर किया आउट ऑफ 300 और उन्होंने भी गोल्ड जीता है। इसके अलावा एक अभिमन्यु है जिन्होंने 286 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है, सेम स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अभी जो इसमें हुआ था इसमें हमारे ये टोटल 3 मेडल अभी तक आए हैं और कामना करेंगे कि आगे जाके फिर से दोबारा से जाएं, इससे और बड़े कंपटीशन में जाके और ज़्यादा मेडल जीतें। आगे का क्या रणनीति, क्या प्लान है? अभी इसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट कंपटीशन नॉर्थ जोन और प्री शूटिंग नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप आने वाली है, जिसमें अपनी अकेडमी से सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए और वहाँ जाकर हम मेडल की उम्मीद करते हैं। और उसके बाद तुरंत हमारा नेशनल आ जाएगा, सीनियर नेशनल, उसमें जाकर हम अपने इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली 7th हरियाणा स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया है स्पोर्ट्स पिस्टल 25 मीटर में। इससे पहले क्या अचीवमेंट रही? इससे पहले मेरे पिछले साल 6th हरियाणा स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल था और नेशनल चैम्पियनशिप में मेरे 2 गोल्ड मेडल थे टीम में। आज कैसे महसूस हो रहा है? आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और आगे के लिए भी यही करूँगा कि आगे भी आते रहे ऐसे मेडल। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे अभी सिलेक्शन ट्रायल्स चल रहे हैं, 5th और 6th ट्रायल आएगी, उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और जो सीनियर नेशनल होगा उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहूँगा। कब से स्टार्ट किया आपने? मैंने 2017 में शूटिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पे गन्स एंड गट्स में पिछले साल सितंबर में आया था 2021 में। बता दें कि रोहतक के ही 24 शूटिंग के खिलाड़ियों ने आगामी नॉर्थ जोन चैंपियनशिप और प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रदेश स्तरीय इस प्रतियोगिता में मेडल हासिल करने के बाद खिलाड़ियों का हौसला काफी बढ़ा है। ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि नॉर्थ जोन और प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में वो मेडल जरूर लाएंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।